क्या हुआ? कुछ हुआ है? सावी, कुछ तो हुआ है। मेरे साथ तो बात कर। दामाद जी ने कुछ कहा? कुछ लड़ाई झगड़ा? सावी कुछ तो। माँ, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और अगर उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, अगर उसके लिए हम कोई बात ना बताएं, तो वो जायज है? हाँ बेटा, बिल्कुल जायज है। किसी भी रिश्ते का सम्मान करना उसका विश्वासघात नहीं होता है। और सावे, तूने हर लड़ाई खुददारी से लड़ी। खुददारी तेरा हथियार है। उससे ही तो तूने अपनी गरीबी को काटा है। और अगर इस वक्त तू कुछ सोचती होगी, तो मुझे पूरा यकीन है कुछ गलत हो रहा है तो उसे सही करने के लिए ही सोचती होगी। मेरी बेटी, मेरी सावी कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। सावी बेटा, कुछ भी हो जाए, इस लड़ाई में मैं हमेशा तेरे साथ हूं। परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू। हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, के इन हवाओं से तेरी यारी है। अभी मैंने कहा ना कि मैं ऑफिस में हूँ। देखो आज वैसे ही पहला दिन है और बहुत सारा काम देते हैं मुझे, तो अभी मैं फोन करता हूँ। मुसीबत में हमेशा एक यही दोस्त मेरे काम आया। मामा जी, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, नित्यम को इस बारे में पता नहीं चले और मामी को भी। रत्ना को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और दामाद जी को भी। ये ले बेटे। बादल बन के मुश्किलों के उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। ओ अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू, ये अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है। चल पड़ी सावी की सवारी फुल स्पीड में मामा जी। चल छत्री प्रसाद, फिर से अपना सफर शुरू करते। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी फिर से इम्तिहान देने जा रही है। उसका साथ देना, उसके साथ रहना, उसके परीक्षा में उसको कामयाब करना। देखा ब्रिजेश, भोलेनाथ की कृपा हमेशा है। जीजी, सावी कहाँ है? सावी रत्ना, वो सावी रजाक के यहाँ गई है। हाँ, वो फातिमा के एग्जाम्स है तो उसको सिखाने गई है। हाँ।
इन दोनों को लगता है कि मुझे फूल गोभी और पत्ता गोभी का फर्क नहीं पता, लेकिन फूल गोभी को कितना भी पत्तों में ढको वो बंद गोभी नहीं बन सकता। अरे वाह, क्या बात कहा है मैंने। मेरी प्यारी मामी जी। हेलो सोनम, सावी है ना सुबह से ही गायब है। अरे तू ठीक है, किसी काम से कहीं गई होगी। अरे जीजी और तेरे मामा मुझसे कह रहे थे कि वो रजाक की बेटी को पढ़ाने गए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा तो मामी पता लगाइए ना कि सावी कहाँ पर गई है। और हाँ सुनिए, इसी तरह से गोयल हाउस की ताजा ताजा खबरें मुझे देते रहना। ओके बाय। हाँ हाँ सोनम सुनना, वो नन्या की किताब कापी और पेन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो तुम कुछ पैसे। मामी पहले तो आप ये पता लगाइए कि सावी कहाँ पर है, और वैसे भी आज मेरी पोका पार्टी है तो मैं। हाँ मामी पार्टी है तो आज आप प्रे करिएगा कि आज की पार्टी में आपकी बेटी सोनम जीते। जो भी पैसे मैं जीतूंगी उसमें से थोड़ा हिस्सा आपका। ओके हाँ हाँ, सोनम तूने तो कभी हारना सीखा ही नहीं है, तू ये कुकर पार्टी जरूर जीतेगी। हाँ बिल्कुल मामी जी। चलिए अभी फोन रखिए, मुझे प्रिपरेशंस भी करनी है। और हाँ, आप पहले पता लगाइए कि सावी कहाँ गई है, उस पर ध्यान दो। कैसे आप रजाक हैं? बहना ठीक हूँ मैं। बहना वो सलमा की बातों का। अरे नहीं नहीं भैया, भाभी ने बिल्कुल ठीक किया। उनकी जगह मैं होती तो शायद नन्या के लिए मैं भी वही करती जो उन्होंने किया। कोई बात नहीं बहना, वो सुबह से तू छत्तीस साहब को लगातार चलाया जा रही है, जा थोड़ा आराम कर ले और उसे भी आराम करने दे। नहीं भैया आराम अभी नहीं कर सकती, अभी सिर्फ 7 बजे तक ही दिहाड़ी हो सकती है ना। 7 बजे के बाद फिर घर जाना पड़ेगा, तो अभी जितनी सवारी मिल पाएगी उतनी ही उठा लूंगी। चलेंगे रुमान गली? बड़ा बाजार चलोगे? मैंने वो देख, बड़ा बाजार सवारी आ रही है, लेके जा तू उसे। नहीं भैया बड़ा बाजार तो बहुत दूर है, मुझे 7 बजे तक घर पहुंचना है, मुझे हनुमान गली की तरफ की कोई सवारी उठानी पड़ेगी। आप ले जाइए। ठीक है। अरे भाई बड़ा बाजार जाओगे क्या? हाँ, हाँ, बैठ जाओ। हाँ थैंक यू। बहना ध्यान रहे, जीजू को पहुंचने से पहले तुझे पहुंचना है, समझे ना? अब भैया हनुमान गली छोड़ दो? नहीं जरा गोल बाजार जाना पड़ेगा। नहीं माता जी, बहुत परेशानी है। माता जी मैं नहीं जा पाऊंगा। हेलो भैया चलोगे क्या? हाँ माँ। सावी कहाँ है तू? माँ मैं ऑटो स्टैंड पर हूँ, बस अभी हनुमान गली की तरफ की सवारी ढूंढ रही हूँ। नित्यम जी अभी आते ही होंगे, उसके पहले तू घर पहुँच जा। तुझे पता है ना रत्ना कैसी है, देख तू अभी किसी सवारी का इंतजार मत कर, जल्दी निकल वहाँ से। लेकिन माँ मैं। सावी जिद मत कर, और कोई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं तू आ जाना घर बेटा, जल्दी आ जा। ठीक है माँ मैं आती हूँ। बेटा गोल बाजार जाना है, पहुंचा दो बेटा। गोल बाजार तो बहुत दूर है काकी, मुझे माफ कीजिएगा मैं ऐसे मना तो नहीं करती। गोल बाजार तो 8 किलोमीटर दूर है और मुझे हनुमान गली की तरफ जाना है, मुझे 7 बजे तक घर पहुंचना है, माफ कीजिएगा। सुनिए
और महाकाल मंदिर। चल छत्री प्रसाद, आज की दिहाड़ी तो हो गई। संभालो अपने आप को बेटा, बस अभी कोई ऑटो करके चलते हैं, बस अभी चलते हैं बेटा। माँ जी क्या हुआ? इसको बच्चा होने वाला है मेरी बहू को, मुझे गोल मार्केट तक पहुंचा दो बेटा। पहले क्यों नहीं बताया? हे भोलेनाथ, गलती हो गई मुझसे, चलिए आइए, तकलीफ हो रही है इसे। आराम से आराम से। बस बस बस, ये सावी फोन उठा। बाइक वाले भैया हटाओ ना आगे, भैया ये थोड़ा सा आगे लो ना। दीदी दीदी शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, आप धैर्य रखो। हेलो, हाँ माँ, माँ मैं अभी इस वक्त कुछ समझा नहीं पाऊंगी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। दीदी आप रुकिए मैं देख के आती हूँ। सुनिए सुनिए भैया, आगे जाके देख। तू यहाँ देखिए ना, कब से मैं कोशिश कर रही हूँ, ये जाम हिल ही नहीं रहा है यहाँ से। ये सिग्नल ये आज अचानक बंद हो गया, नहीं हटेगा आज। नहीं हटेगा? मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है अभी। हॉस्पिटल? हाँ क्यों, लेकिन हाँ मेरी मदद करो, ये मेरी बहू है, मेरी बहू। लगता है डिलीवरी का टाइम आ गया। हे भोलेनाथ, कहीं नित्यम घर तो नहीं पहुंच गए? सावी गरम पानी। भैया गरम पानी। भोलेनाथ आज बचा लेना। गुड पुलिस, गुड पुलिस, गुड पुलिस, चमकाओ साहब। दूसरा पैर लो, गुड पुलिस, गुड पुलिस, गुड पुलिस साहब। 10 रुपए हो गया साहब, सब 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 गुड पॉलिश करवा लो साहब, गुड पॉलिश करवाओ, किस्मत चमकाओ। अरे साहब आइए साहब, गुड पॉलिश करवाइए साहब, साहब गुड पॉलिश करवा दो। नहीं आप ठीक है साहब, थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है, आप बूट पॉलिश करवा लो, 10 रुपए में पूरे जूते चमका दूंगा। लाओ साहब लाओ, अब रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। लाओ 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 साहब लाओ, लाओ लाओ छोड़ो साहब, रुकिए आप, छोड़ो बूट पॉलिश करवा। कहा छोड़ो, जबरदस्ती क्यों कर रहे हो साहब? नहीं करवाना तो मत करवाओ ना, डांट क्यों रहे हो? मेहनत कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी ना भीख मांग रहा हूँ, आपके जैसा ऑफिस नहीं जाता, पर उतनी मेहनत करता हूँ इधर। साहब 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 बूट पॉलिश, साहब साहब बूट पॉलिश करवा लो साहब। सभी को शक हो जाए उससे पहले मुझे घर पहुंचना होगा, 7 बजने वाले हैं। बिटिया हुई है वो भी तेरी ऑटो रिक्शा में। मिस कॉल,
बात है सोनम, तेरी खातिरदारी को मानना पड़ेगा, एकदम टॉप क्लास। क्या कहा जरा फिर से कहना? I said top class, really? Even you guys think that it's top class? Yeah. Thank you so much. वैसे सोनम दालमिया के घर आए हो तो पार्टी तो टॉप क्लास होगी राइट? चलो खेलना शुरू करते। Nice. सोनम ने तो कभी हारना सीखा ही, ऐसा लोग कहते हैं। वेट वेट, I win. Oh my God, I'm so sorry, auntie. आप प्लीज वो चिप दे देंगे? चल सोना, अब तो तू पूरे 20,000 हार गई है, निकाल पैसे। जब तक पैसे खुद के कमाई के ना होना, तब तक उसका सही मूल्य कोई नहीं जानता। ये जो ऐशो और रम की जिंदगी तो जी रही है ना, ये सब कुछ मेरे बेटे बिट्टू ने कमाया अपनी मेहनत से। 20,000 का प्लास्टिक का सिक्का, वहां मेरा बेटा अपने ही पैसों के लिए मोहताज है, और तेरी सगी बहन सावी एक एक रुपए के लिए परेशान हो रही, और तुम यहाँ बैठे बैठे ये गेम खेल रही हो किसके नाम से? 20,000 रुपए एक ही झटके में हार गए, तेरे पैसे नहीं है सोना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। I'm so sorry guys, वो माँ को ना थोड़ा लेक्चर देने की आदत है, ओल्ड स्कूल जो है, बट नेवर माइंड, लेट्स कंटिन्यू। नो प्लीज, हम यहाँ लेक्चर सुनने थोड़ा ना आए, इट्स ओके, हम क्लब में खेलेंगे। I gotta go. Let's go, girls. सावी सावी सावी, इस घर में सावी पुराण कभी खत्म नहीं होगा। सावी कहाँ है तू? सावी मैं कब से तुझे फोन लगा रही हूँ, तो फोन नहीं ले रही है। नित्यम जी का फोन आया था, वो भी वही कह रहे हैं, वो भी तुझे फोन लगा रहे, तो फोन नहीं ले रही है। माँ वो नित्यम, अरे उनका फोन ये कहने के लिए आया था उनको थोड़ा लेट हो जाएगा, और वही कहने के लिए वो तुझे फोन कर रहे थे। मैंने उन्हें फोन किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। अरे उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सावी सब बातें छोड़ दे, तू जल्दी घर आ जा। हाँ माँ, मैं फटाफट आती हूँ, जल्दी पहुँचा। हे भोलेनाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं नित्यम से कब तक छुपा पाऊंगी अपनी छत्री प्रसाद चलाने वाली बात, क्या करूं? भैया 2 कचौड़ियां पैक कर दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। मूवी बहुत मस्त था ना? दादा आप मम्मा को पिक करने जाइए, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अनन्या यहाँ कैसे? वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए गई थी। मूवी ट्रीट के लिए थैंक्स पियो। इट्स ओके यार, नो प्रॉब्लम, बट हर बार ट्रीट नहीं दे सकती, तुझे भी कंट्रीब्यूट करना होगा। हाँ आई नो पियो, मम्मी थोड़े दिन में पैसे मैनेज कर लेगी ना, तो मैं भी तेरे जैसे ब्रांडेड पर्स और मोबाइल ले लूंगी। वैसे तूने अपने ड्राइवर को कहाँ पे भेजा? मम्मी को पिकअप करने, उनके क्लब में किटी है आज। बट तू कैसे घर जाएगी? कैब बुक कर लूंगी। कैब क्यों, ऑटो से चली जाना।
हाँ चल चल। वाओ कितनी अच्छी ऑटो है अनन्या, चलना इसी में चले जाते हैं। पीहू ये ऑटो से नहीं, हम दूसरे ऑटो से जाते हो ना। बट कितनी अच्छी ऑटो यार, इसी में जाएंगे। देखिए ऑटो खाली है। अरे ऑटो वाले भैया, ऑटो खाली नहीं है, सॉरी। सावी दी, अब क्या?